हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग फिर से आ चुके और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। गाइस आजकल बीजीएम में बंदा मिल रहा और अप्रैल में मैं बारिश का बूंदे मिल रहा, दोनों का ही चांस बहुत ज्यादा कम होता है यार। तो जितना भी मिलता है गाइस उसी से काम चला लेना पड़ता है। तो गाइस देर ना करते चलिए शुरू करते आज का गेम प्ले। तो इसी के साथ ही मैच का शुरुआत हो जाते हैं पोचिंग के बाद। सामने वाले घर में बंदा कूदा और मुझे तो गन मिल गया भैया, तो चलो गाइस घुस के पेलते है ना यार। अब देखो गाइस बंदा आराम से लूट करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि उसका पेटी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। मुझे पेटी बनाना अच्छा लगता है यार। लेकिन इसका और एक बंदा लेफ्ट साइड से आ रहा है गाइस। ओ भाई साहब मुझे तो डर लग गया था भैया, अब इसका आखिरी बंदा आ रहा है तो इसका भी पेटी आइए वाला तरीके से बना देते भैया। अब सामने वाला घर में एक बंदा होता है तो हम लेफ्ट साइड से रोटेट करके आगे ही जा रहे थे, उसी टाइम पे बंदा स्पॉट हो जाता है। इसको नॉक करके हम तुरंत क्लोजिंग कर लेते हैं। अब आगे जाते मुझे ये वाला घर से फूड आने लगता है, लेकिन आगे जाके देख, ओ भैया ये तो वही चाचा होता है लेकिन सामने और एक बंदा। लेकिन भैया का नसीब बहुत ही अच्छा होता है, एक तो कबर में चला जाता है, ऊपर से मेरे फोन में फोन आ जाता है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मेरा टीममेट्स को तो बचा लेते क्योंकि भाई सुन नहीं पा रहे लेकिन देख तो पा रहे हैं ना यार। अब इसको बचा लिया। अब देखो हॉट ड्रॉप पे उतना ही बंदा आ रहा था तो चारों तरफ ढूंढने के बाद ये वाला घर में आता तो इधर एक बंदा कैंप कर रहा है यार। एक तो बंदा नहीं मिल रहा है, ऊपर से कैंप भी हो रहा है यार। तो चलो गाइस इसको मारने के लिए हम अंदर चला जाते हैं। लेकिन ये चाचा तो भाई मेरा टीममेट्स को मारने में बहुत ही ज्यादा बिजी था यार, तो इसीलिए इसको इजीली हम मार देते। लेकिन भैया के पास तो खजाना मिल गया यार, सब कुछ इसके पास था भैया। तो इसका पेटी अच्छे से बना के हम अच्छे से लूट कर दिन आगे चला जाते क्योंकि इसका और एक टीममेट्स का इस सैक के अंदर बैठा हुआ था। तो हम बोले चलो भैया धूम मचाने वाला सीन हो जाएगा, अब देखो भैया इसको कैसे मारते। भाई साहब लेफ्ट राइट करके ऐसे कंफ्यूज कर दिया भैया, इसको समझ में नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है यार। दिन हम हील कर लेते लेकिन उसी टाइम पे एक बग्गी आता है यार। अब देखो गाइस बग्गी को क्या करते हैं, मतलब एक हेड तो पड़ता है यार, देन बंदा निकल जाता है। लेकिन उसी टाइम पे एक बॉड मार के हम यहाँ स्नाइपर पे चला जाते क्योंकि इधर बंदा होता है। अब इसने पूरा टीममेट्स को बुला लेता है यार। देखिए सामने एक बंदा, पूरा डैमेज है। लेकिन ये बंदा तो आगे आने का नाम नहीं लेता है यार, बंदा लेफ्ट से आ रहा है। चलो इस चाचा का तो इजीली पेटी बना देते, लेकिन मुझे हील करना पड़ेगा गाइस। लेकिन उसी टाइम पे मेरा टीममेट्स होता है पीरो, आप लोगों को तो पता ही है ना मेरा टीममेट्स होता है पीरो, तो सबको मार देता है। मर के हम इधर जाते हैं तो एक बंदा इधर स्पॉट होता है। भाई साहब बंदे को लगा तो ड्रॉप शॉट देगा तो मुझे मार देगा क्या। देन हम लोग इधर से निकल के ए वाला घर में आते, देन सामने देखते हो बच्चे अच्छा ये क्या चल रहा है, तो एक को तो नॉक कर देते देन सामने और एक। लेकिन फिर से मेरा भैया मेरा टीममेट्स होता है पीरो, आप लोगों को पता है ये भैया उसने मार देता है। अब आखिरी बंदा होता है तो चारों तरफ ढूंढने के बाद ये बंदा मिल नहीं रहा था यार, तो हम सोचे चलो यार एएमआर का कोशिश करते हैं। अब सामने बंदा स्पॉट हो जाता है। अब एक गोली तो लग जाती है, उससे नॉक नहीं होता है, ऐसा लग रहा है डुप्लीकेट वाला एएमआर पकड़ा दिया यार। इससे अच्छा तो एडब्ल्यूएम भैया एक गोली मारो बंदा घुटने पे आ जाते। लेकिन मेरा टीममेट से पीरो आप लोगों को पता ही है चिकन डिनर हो गया। अब देखो गाइस दूसरा वाला मैच में फिर से आ गए थे पोचिंग की में, लेकिन इधर कोई बंदा ही होता नहीं है भैया, तो एक बॉट को मार के हम लोग चला जाते आगे की तरफ। अब इधर आते ही मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है, होता है तो एक को नॉक किया और राइट से और एक आ रहा है। अब इन दोनों चाचा को कौन समझाएगा यार, ऐसा कैंप नहीं करते भैया। अब आखिरी वाला बंदा कहाँ होता है यार, ओ इधर घुटने पे होता है भैया, तो हम बोले चलो बेटा पैन खा लो। तो इसके पास से लूट मुझे मिल जाता है, दिन आगे जाते आगे जाके ओ भाई साहब इधर तो पहले से कैंप हो रहा है भैया, तो कॉर्नर पे होता है, तुम राइट से हम आगे जाते। अब देखोगे सस्ता नसेरी को, लो भैया नागिन बनता पड़ा हुआ है यार। तो चलो गाइस और एक बंदा होता तो पहले से तो स्पॉट हो गया भैया, अब चलो इसका भी पेटी बना देते। भाई साहब कैंपर 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 चारों तरफ कैंपर यार। अब इल्लू का पेटी बनाने के बाद ऊपर देखते, ओ भाई साहब ऊपर भी कैंप करने के लिए बंदा पैराशूट से कूदता है। लेकिन हम बोले रुको बेटा
चलो अब गाइस देखो एक ऐसा मौली करेंगे गाइस, आप लोग बोल रहे ये वाला मौली का आप लोग आउट ऑफ 10 कितना रेट दे सकते हैं बताओ। मुझे पता है ऊपर एक बंदा काम कर रहे हैं। आइए क्या ही मौली था यार भाई, गजब लेवल का मौली फेंकते यार। अब इसको फिनिश करने के लिए हम लोग जाते शेल्टर की तरफ, लेकिन इधर अलग ही कैंप हो रहा था यार। देखो गाइस भाई सब क्या ही बोले यार, कैंप हद हो गया भैया, इतना कैंप पर गाइस क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलने का भैया। तो मेरा टीममेट्स को रिवाइव देके आ जाते ए वाला रिकॉल सेंटर के पास, मतलब रिकॉल नहीं है लेकिन रिकॉल सेंटर है ना भैया। अब इधर होता है तीन बंदा, तो एक बंदा पार्किंग के पास होता है, भाई सब बंदा तो ग्रोजा चला रहा था यार, लेकिन इसका ग्रोजा अब मेरा होगा। तो इन लोग का पेटी बना के अच्छे से लूट के आगे की तरफ जाते, लेकिन आगे देखते हो भाई क्या सीन चल रहा है भैया। अब इसको नॉक फिनिश करके आगे जाते क्योंकि ये बंदा किसी को देख रहा था। अब देखोगे फिर से क्या होता है भाई, सब अलग ही सा पेड़ा है भैया इधर। लेकिन भाई देखो और एक बंदा कहाँ कैंप कर रहा है, हम आराम से बूस्ट कर रहे थे भैया उसी टाइम पे। देखो मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं किया था यार इतना क्लोज में बंदा होगा, हम तो सिक्स सिक लगा के रखे थे यार। तो चलो गाइस कैंपर वाला गेम प्ले तो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को आज का गेम प्ले अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।